हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक हैं, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये है वीडियो शनिवार की। तो शनिवार को की वीडियो आज शनिवार की वीडियो जो है अब आप लोगों तक शेयर करूंगी। तो मैं चली गई थी कहीं, तो इसलिए शेयर नहीं कर पाई, तो थोड़ा लेट हो गया वीडियो आने में। तो देखिए, मेरे हस्बैंड के हाथ में सूजन कितनी ज़्यादा थी, मतलब अब तो ठीक हो गया है, काफ़ी सूजन हट गई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सूजन हो गया था। तो चोट लगने की वजह से इस पर ना बारिश का पानी पड़ा था, जिसकी वजह से ये सूजन और इसमें और भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो दवाई कराने से ठीक हो गया है। और देखिए, सुबह सुबह मैं बना रही समोसे। बच्चों की फरमाइश थी कि हमें सुबह सुबह समोसे खाने हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। तो मैंने आटे से ही समोसे बनाए, कोई मैदे से नहीं बनाया। बच्चों की खुशी के लिए मैंने आलू से ही समोसे बना दिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे बेटे की करामात, किसने क्या किया, पूरे मुंह पे बेटी के केक लगा के रख दिया है। तो ये क्रीम जो बची होती है, केक नहीं, क्रीम थी केक की, वही लगाया हुआ है इसने। तो मस्ती खोर किया है। और उसके बाद मैं कर रही हूँ घर के काम, तो झाड़ू और पोछा बर्तन सारे फटाफट से कर लूँगी। और मेरी बेटी की आज है सैटरडे की छुट्टी दोनों की, तो दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया आज। काम तो कुछ ये लोग करते नहीं है, बस परेशानी करते हैं। तो देखते तो ये लैस वगैरह दिखा रही है कि कितनी सारी लैसेस हैं, और बोल भी रही थी लेकिन मैंने इसकी आवाज़ बंद कर दी थी, मतलब म्यूट कर दिया था आवाज़। मैंने अपनी अब वॉशिंग किया है, तो बहुत सी बातें करती है, तो आज उसकी बातें भी सुनना आप लोग। बहुत बातें करती है और जो है वीडियो बनाते समय। तो चलिए फ्रेंड्स, और मुझे आज ये जो है, इसके बाद मैं अगले दिन संडे को अपने मायके चल जाती हूँ, इसी की वजह से वीडियो नहीं आ पाती है। संडे के दिन सुबह ही मॉर्निंग में निकल जाती हूँ, तो आप लोगों को पूरा संडे तक वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों तक। प्लीज़ प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी पहली बार वीडियो को देखता है। और जो है वीडियो को लाइक किए, शेयर कीजिए प्लीज़ प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शेयर भी कर दिया करो अगर वीडियो पसंद आती है। तो यहाँ देखो हमारा बेटा क्या कर रहा है, हमारा घर का सन, हमारा वारिस। क्या इस मौसम, देखिए रात में बहुत तेज बारिश हुई थी, झाड़ू लगते लगते यहाँ तक पहुँच चुका है। एंड गाइस, ये देखिए मैं और ये मेरी मम्मी बस काम करने की ओवर एक्टिंग कर रही है, बाकी सब तो मुझसे करवा रही हैं। गाइस ये देखिए यहाँ पे शीशा लगा है। एंड गाइस, मैं अभी तक नहा ही नहीं हूँ, मैं अपना काम कंप्लीट करने के बाद नहाती हूँ। तो आप पीछे मौसम देख सकते हैं, बहुत सुहाना मौसम हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस ये देखिए, ये है हमारी तुलसियाँ, और ये हमारा फ्लावर पॉट, ये मैंने खुद से उगाए हैं। देखिए बहुत लाल चटाक लाल के रोज उग गए इसमें। और ये मनी प्लांट, अभी एक भी पैसा दिख नहीं रहा इसके अंदर, एक भी रुपये नहीं दिख रहे इसमें। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ेगा तो देखिएगा, पैसा भी आएगा इसी में। वो देखिए कपड़े आधे धुल चुके हैं वहाँ पे। हाँ गाइस, वो मनी प्लांट में आप लाइक करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो ही मनी प्लांट में पैसा आता है। और ये देखिए, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी खरीद सकते हैं। फिलहाल इसमें पानी भरा है, ये है ओडोमॉस। एंड ये देखिए काम काम वाली घूम रही है। गाइस वीडियो देखिए, मेरे खून में पसीना की मेहनत है, ये मेरा खून में पसीना बह रहा है। चलिए गाइस, आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और ये देखिए गाइस, खाना को और मम्मी डीजे चला दिए हैं। तो उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा। तो पोछा वगैरह लगा के मुझे करनी है आज सिलाई, क्योंकि मुझे जाना है तो सिलाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आज इस टाइम पे रखड़ी का सीज़न है, और जो है रखड़ी आने वाली, तो सभी सिलाई करवा रहे हैं, सूट वगैरह बनवा रहे हैं। तो मुझे भी फटाफट से सूट मतलब सलवार बनाना है बुटीक के, तो इसलिए मैं फटाफट से काम कर लूँगी। और बच्चों की छुट्टी भी है तो थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाती है मेरी, तो इसीलिए जो है फटाफट काम करने के बाद मैं बैठ जाऊंगी अपनी सिलाई करने। ये सब खा रहे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, सब खा रहे सब खा रहे, मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं। दोनों माँ बैठो की सवेरे से मेरे पहले 6 समोसा इन्होंने और 4 समोसा ये पिंक टी शर्ट वाले ने खाया। एक समोसा मैंने नहीं खाया, एक भी समोसा।
दोनों ने भर भर के समोसा खा लिया। आप चली गई हम अपना मुंह छुपा के। वो तो दिख रहा आपने मुंह से कुछ भी नहीं खाया। कुछ भी नहीं खाया। छह समोसे खाए थे, पूरे गीने हुए थे मैंने। पता है मुझे किसके घर पे आते हैं गाइस? पूजा के घर में। मैंने अभी अभी खाया कल से। तो उसके बाद ये है नेक्स्ट डे संडे। तो संडे की सुबह सुबह जाने से पहले साक्षी जो है अपनी बुआ वाली राखी अपने पापा को बांधेगी और जो है फिर उसके बाद जाएंगे। तो देख सकते हो राखी बांधने के लिए बैठ गई। तो इनकी बुआ, तो बच्चों की बुआ ने गांव से राखी भिजवा दिया था, तो यहाँ पे बांध देंगी सभी की बेटियाँ। तो राखी बांध देती हैं, तो बेटी भी राखी बांध देगी पापा को अपने। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद निकलना भी है हमें सुबह की। मेरी सुबह 6 बजे की ही ट्रेन है और अभी इस टाइम बज रहे हैं 5, तो 5 बज चुके हैं और फटाफट से राखी बस बांध के हम लोग निकल जाएंगे, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट सकती है। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए ट्रेन पे हम लोग बैठ चुके हैं और जा रहे हैं मम्मी के घर। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और खूब इंजॉय करेंगे। और मेरी बहन भी है और मेरे बहन के हस्बैंड भी हैं, उनके बच्चे भी हैं साथ में। तो वो दूसरी जगह बैठे, वहीं पे पास में बैठे हैं बगल में। तो हम लोग जो है इंजॉय करेंगे। और देख सकते हैं मेरे लड्डू दोनों साथ में हैं। ये मेरे बिना घर पे अकेले नहीं रह सकते हैं, तो ये मेरे साथ ही जाते हैं, अपने पापा के साथ, बाबा के साथ नहीं रहते हैं। तो उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे। और आज मैंने एक चैलेंज भी लिया अपनी बेटी से। तो बेटी ने चैलेंज किया, अगर आप बाहर से फूल तोड़ के ले आओगे, मतलब बाहर देख सकते हो आप, अभी आप लोग दिखाते। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई थी और ये नहीं पता था कितनी देर के लिए रुकेगी। तो मैं यहाँ से फूल तोड़ने का चैलेंज मुझे मिला था और जिसको मैंने पूरा किया। हालांकि ये मेरी एक गलती थी, अगर ट्रेन निकल जाती तो क्या होता मेरे साथ मुझे नहीं पता था। तो देख सकते हो फूल तोड़ के लेकर आ गई हूँ और लगा भी लिया और कान्हा को भी चढ़ा दिए फूल, कान्हा को भी दे दिए, ढेर सारे फूल तोड़ के लाई थी तो सारे फूल दे दिए। और मैंने भी 2 लगा लिए और बेटी ने भी लगा लिए अपने का जो है फूल और खूब खुश हो रही है। अगर वैसे ट्रेन नहीं भी निकलती क्योंकि यहाँ पे लाइट हो रखा था और ग्रीन लाइट जब होता तभी ट्रेन आगे बढ़ती, तो मैं लाइट को भी देख ही जा रही थी बार बार और थोड़ी देर के लिए बस उतरी थी। तो देख सकते हो सभी खूब मस्ती करे और वहाँ पे बैठे मेरी बहन और मेरी बहन के हस्बैंड। तो लुधियाना में ये लोग मिल गए थे, तो ये लोग लुधियाना में रहते हैं और हम लोग जलंधर में। तो बस तो चलिए चलते हैं। उसके बाद जो है ये देखिए बैठे हुए हैं और ये बेटा वीडियो बना रहा है यहाँ पे। और मुझे नींद भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन बातें करते करते फिर नींद हट जाती है। तो बालों में फूल भी लगाई जा रही हूँ। उसके बाद पहुँच जाते हैं हम लोग मार्केट, मतलब घर पहुँचने के बाद, ये शाम की वीडियो है। तो शाम को हम लोग चले जाते हैं मार्केट, मैं, मम्मी, भाभी, भैया सारे जा गए होते हैं कपड़े लेने के लिए। हम लोगों की राखी के कपड़े लेने थे तो वही लेने के लिए पहुँच गए थे। और यहाँ पर देख सकते हो मिठाइयों की दुकानें इतनी ज़्यादा लगी हुई है और हर जगह मिठाई और राखी दिखती रहेंगी आप लोगों को। तो चलिए आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। और इसके आगे का वीडियो जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे शेयर करूंगी। और अभी और भी वीडियो है क्योंकि आज है मेरी जो है बहन की बेटी का बर्थडे, तो वो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और आप लोग भी आ जाइए, मिठाइयाँ वगैरह खा लीजिए। और कैसी रही आप लोगों की राखी बताइएगा जरूर कमेंट करके। और ये देखिए ये है बर्थडे, बहन की बेटी का बर्थडे, लेकिन केक तो बेटा ही काटता क्योंकि अभी बेटी को थोड़ा सा भी समझ नहीं है कि मतलब मेरा बर्थडे तो मैं ही केक काटूंगी। तो उसका भाई जो है वही केक फूंक मार देता है और वही केक भी काट देता है क्योंकि वो जिद करता मेरा ही बर्थडे है। छोटे बच्चे होते तो ऐसा ही होता है, जिद करते कि मेरा ही बर्थडे है, किसी को भी केक नहीं काटने देते हैं, खुद ही केक काटते हैं। तो देखिए वो भी रो रहा था केक मैं काटूंगा, तो फिर वही केक काट देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। और आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, देखो रोने लगा था केक काटने के लिए कि मतलब मैं ही काटूंगा, किसी को और नहीं दूंगा केक। तो देखिए रोने लगा था, तो वो केक काटती ही नहीं है वो छोटी वाली, तो जिसका बर्थडे है तो उसने तो केक ही नहीं काटा था, अपना बर्थडे मनाना भी नहीं। अभी 2 साल की हुई है, आज ये 2 साल की पूरी हो गई है बेटी मेरी। तो बहुत ही अच्छा लगा बर्थडे सेलिब्रेट करके और रात को बर्थडे सेलिब्रेट किया और आज बस बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग बर्थडे विश जरूर कीजिएगा बेटी को और खूब सारे आशीर्वाद दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो है सभी ने खूब मस्ती किया, खूब मस्ती मजाक किया, खूब मज़े किए। सच में मम्मी के घर आके ना खूब मस्ती मजाक होता है। और वीडियो ज़्यादा मैंने नहीं बनाया यहाँ की क्योंकि बातें करने में लगे हुए थे आपस में, ज़्यादा हम लोग वीडियो वगैरह नहीं बना रहे थे, थोड़ा थोड़ा
बनाया था वीडियो, तो आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट डे शेयर करूँगी जो